चाइना का इतना भीषण डेवलपमेंट किया जिसका कोई हद नहीं। पूरी दुनिया में 90 के दशक में, 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा था, नई नई मशीनें आ गई थी, उनका डिमांड बढ़ रहा था, टीवी का, टेलीफोन का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, पंखा का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, गजब डिमांड बढ़ा था वहां पर। पूरी दुनिया में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में जितनी कंपनियां थी पगला रही थी, उनका डिमांड इतना ज्यादा था कि उनके पास फैक्ट्रियां कम पड़ रही थी, 24 घंटा काम करना पड़ रहा था, फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। तो इनको ऐसा जगह चाहिए था जहां सस्ता लेबर हो, मेहनती लोग हो। चाइना ने कहा कुछ नहीं, चला माओ जेडांग ने क्या कहा, चला सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सस्ता मजदूर देंगे, जो मजदूर टाइम से नहीं आया लात मार के निकाल देना, कुछ गोलियों मार देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ले कहां टूट पड़ी चाइना में, कई एक नंबर, LG, होंडा, होंडाई जितनी कंपनियां थी, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कूद गए कहां पर, चाइना में। एक नंबर का स्किल्ड वर्कर मिल गए सब वहां पर। चाइना क्या किया, कॉलेज खोला पढ़ाने उड़ाने के लिए, कंपनियों से पूछा आपको किस चीज की जरूरत, पेंटर चाहिए, एक नंबर का, ए 3 महीना पेंटर का कोर्स है, कोने को करना है, 2 लाख वैकेंसी निकला है, धाए 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 पेंट मारा और वहाँ पेंटर निकल गए सब, कोई डिग्री टिग्री मारो वहाँ पे, पेंटर तो एक नंबर पेंट करेगा, हमने के यहाँ पेंटर को दीजिएगा, मजदूर भी है, पेंटर भी कर देते हैं, दरवाजा ठोकना है, पल्ला झुला देंगे, वहां पर हर चीज का स्पेशलिस्ट बना दिया, नट बोल्ट कसने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाला, हर चीज का उसने क्या किया, स्पेशलिस्ट बनाया, और कहा कि अगर एक मिस्टेक करेगा ना मेरे यहाँ का कोई एक आदमी, एक मिस्टेक करेगा, 1% चांस मत देना, 8 बजे बुलाए हो, 8:01 हुआ ना लात मारना, क्योंकि इधर सब ट्रेनिंग कॉलेज में भरल है सब, इधर लात मारो इसको भेजेंगे, और बैठा दिए, जो खाने पीने कुछ ना मिलेगा तुमको यहाँ, अब विरोध करेंगे तो टाइम पे, अब 8 बजे मजदूर को बुलाना है ना, तुम्हारा 7:30 बजे आता है, गुड मॉर्निंग सर आ गए हैं, हाँ काम करता है आप। इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा दिया माओ जेडांग ने कि पूरी दुनिया की कंपनी वहां चली गई, और वहां के वर्कर ना काम करते थे, काम करते करते सीख गए सब। अब उसमें वर्कर में जो अमीर था वो चाइना की बैंक से लोन लिया, अपन मोबाइल का कारखाना खोला, कार्बन मोबाइल, अलनिया मोबाइल, बैंक कर जाता था, चोरी करके करेंगे तो कितना करेंगे नहीं, लेकिन लगातार चोरी करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। वही चोरी कर करके चाइना आज दुनिया में शाओमी का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल, सारी मोबाइल कहाँ है, चाइना में। सारे लोगों ने कारखाना कहाँ खोल दिया था, चाइना में, और वर्कर कहाँ के खुद का खोल दिए, मारा धूम मचा दिया चाइना ने, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना। आज किसी चीज की सामान खरीदिया, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, चाइना। भारत के मजदूर को 8 बजे बुलाइएगा, 8:30 बजे आएगा, डांट देंगे तो 20 गो मिलके हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल, चक्का जाम, मारो इसको, हटाओ इसको, पीटो, हमरा सैलरी बढ़ाओ, वहां करो ना, सैलरी चाहिए, हाँ भेज दे 4 गो, इतना भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टाटा का सिंगरूर में एक जगह है, पूरा नैनो कार बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लग गया था, उजड़वा दी वहां पे, भूख हड़ताल पे बैठ गई थी ममता बनर्जी वहां पे किसानों की जमीन के लिए। भाई सब कुछ सही है, उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ ले आ दो अपना पूरा प्लांट, हम खर्चा देंगे, टेंशन मत लो, वहां रोजगार भी मिल गया। हमारे यहाँ नीतीश बाबू बैठल थे यहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको भी तो बुला सकते थे, बंगाल से बिहार शिफ्ट करना ईजी है, वो अलग बात है कि बिहार में वो लोग शिफ्ट भी नहीं करते क्योंकि यहाँ स्किल्ड वर्कर नहीं है, यहाँ कोई काम करने आता है कहता हम काम कर देंगे 10 घंटा जो बोलिएगा, जब तोरा कौन चीज आता है बताओ ना, वो आप कोई कंपनी काम क्यों देती है, अपने हिसाब से तू आएगा, अपने हिसाब से हम 4 घंटा काम कर देंगे, देर नहीं 5,000 का जरूरत है, जोन बोलेंगे तन कर देंगे, मतलब अपना ही टेलर रहता है लोगों का, स्किल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया, स्किल्ड किया, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान दिया वहां पर और मानव विकास के लिए, और धीरे धीरे चाइना इतना आगे लग गया कि इसको गलती का एहसास हो गया, अब हम उसको नहीं ला पाएंगे। अब चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा है, वन चाइना पॉलिसी, वहां की जाति है एक तो वीगर मुसलमान, उनको रोजा रहने नहीं देता है, मुस्लिम लड़कियां नकाब पहनती हैं तो कहता नकाब स्कर्ट पहनो, स्कर्ट पहनाता है, और अगर सलवार सूट पहन के निकल गई तो बीच सड़क पे काट देता है, स्कर्ट बना देता है, और उसके बाद उन पे इतना ना भारी जुर्माना लगाता है, और कोई विरोध करेगा टैंक खाइए है, जाओ यहाँ कोई विरोध करेगा तो टैंक खाइए है, पाकिस्तानियों को नहीं दिखता। और अगर कश्मीर में कोई पत्थर चला रहा है, जवाब में अगर लाठी भी चल गया
हाय कश्मीरी, हाय कश्मीरी, चट्टा कहीं का, हाय कश्मीरी। हाँ, एक को पाकिस्तानी को सुने हैं जो तालिबान पे कुछ कह रहा हो, कुछ नहीं बोलेंगे सब। सही बात है, जहाँ बोलने चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ के लोग मर रहे हैं। और अगर एक वो फिलिस्तीन पे गोली चलेगा इजराइल, मेरा फिलिस्तीन मार दिया है ससुर, तूने तेरा फिलिस्तीन मार दिया है। तो ये जैसे सिंपल सा अभी अफगानिस्तान में करंट सिनेरियो देखिए, यहाँ तालिबान वाले क्या कर रहे हैं, किसी भी महिलाओं को पकड़ के जबरदस्ती शादी कर ले रहे हैं। तो महिलाओं तो बकलोल है यार, कोई दिक्कत नहीं, कर ले रहा है तो खाना में जहर मिला दे देना, मर गया तो नहीं, हमारा से कोई जबरदस्ती भी आ करे ना, अगले दिन उसको मार डालेंगे हम, मारने का जरूरत है, हथिया को टकला कर देंगे। जबरदस्त देखिए, आपको बात समझाते हैं, समझ आम जो होता है ना, आम वो पक कर कितना भी पीला हो जाए, लोग जब उसे खरीदने जाएंगे ना तो दबा के चेक करेंगे, ये भैया पीला है दिख रहा है ना, उनको इसलिए नहीं चेक कर, उनको पता है दब जाएगा। और बेल जो होता है ना, सिरफल बेल, वो ससुरा पीला रहे चाहे हरा, पूछते हैं पकल है ना, काने दबा के देखते हैं, दबे नहीं करेगा। तो अगर आप दबेंगे ना, दुनिया दाब के रद्द कर देगी। इसलिए हर कोई आपकी कदर नहीं जानता है, परिवार के लोग हों या जिन्हें आप अच्छे से जानते हो उनके साथ दब के रहिए, बाकी में जो सही है तो सही, गलत है तो गलत। बताइए अफगानिस्तान की महिलाएं तो हमको कहते हैं 70,000 तालिबानियों को बिना गोली चलाए मर जाएंगे सब, हाँ शादी करो, देखो ठोड़ रंग लो, चलो शादी करो। फिर खाने में जहर मिला के मार दो भाई, कितना दिन पत्नी अगर आपको जहर देने पे तुल जाए ना, कोई नहीं बचा सकता भाई, कोई नहीं बचा सकता, कोई एनएसजी कमांडो कुछ नहीं। अब हम ये तालिबानियों को खबर भेजवाएं कैसे, सब अपने को बता देगी, सुन रही हो सोनाली, मार दो अपने वाला को, मजा सर को आ रहा है। चलो ध्यान दो भाई, ताइवान जो है ना वो बहुत जल्द, चाइना बहुत जल्दी किस पे कब्जा करने वाला है, किस पे, ताइवान पे कब्जा करना है, शंघाई के जस्ट पीछे देखिए वुहान, कोरोना वाला निकला था, वुहान कौन जगह है, वुहान मिल गया, नहीं मिला जी, वुहान शंघाई के जस्ट पीछे होगा, यहाँ तो देखो लगे एक बार, ये जगह कौन है, शंघाई, इसके जस्ट पीछे कौन जगह है, वुहान। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वुहान बहुत ही आगे है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वुहान बहुत आगे, पूरी दुनिया के कारखाने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ बैठते थे सब, वुहान में। और जब वहां से कोरोना फैला तो चाइना को पता चल गया कि यहाँ इस शहर में लगभग 1.5 लाख लोग क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। तो चाइना ने कहा वुहान बंद होने वाला है, सब लोग चल जाइए, और वहां से 1.5 लाख संक्रमित लोग पूरी दुनिया में फैल गए। और उसके बाद चाइना ने एक महीना बाद WHO को, UNO का एक हिस्सा है WHO, ट्रेडोस एडनॉन ट्रेडोस, उनको खिला दिया पैसा, उन्होंने कहा कि चाइना से लोग भाग क्यों रहे हैं, रे चोट्टा कहीं का तू चल बैठी वुहान में, पता चल जाता अपने बैठा है यहाँ अपने WHO के हेड ऑफिस में जनेवा में, कह रहे चाइना से लोग भाग क्यों रहे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। WHO की सबसे बड़ी गलती थी कोरोना स्प्रेड होने में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल, लेकिन फिर भी सेकंड लहर में तो स्थिति भारत की हुई, इसके लिए केवल और केवल भारत के लोग जिम्मेदार। दूसरा, आप किसी पे ठिकरा फोड़ दीजिए वो चल सकता है, लेकिन भारत के लोग जिस अंधाधुन स्थिति से चल रहा था, अभी भी कहते हैं हमारा कोरोना थोड़े होगा, बाबा रामदेव हुआ उनको दे, डॉक्टर मर गया टर टर करके, अब पता किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो अनुलोम विलोम कराइए यार, योगा अच्छी चीज है, लेकिन आप लोग यंग कंडीशन में हैं, आप लोग खुद ही इतना मेहनत करते हैं, मेरे क्लास में जो पढ़ने आता है उसका ऐसे ही योगा हो जाता है, 5 तल्ला पे क्लास है, ऐसे ही उसका योगा हो जाएगा। तो योगा को आप ऐसा मत समझिए कि बहुत बड़का चीज हो जाता है। तो कोरोना दिक्कत हो गया, वीडियो काफी अच्छा था यार, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, और क्या ही बताया यार, जिस तरीके से चाइना डेवलपमेंट किया एंड जिस तरीके से कोरोना फैलाया, नो नो गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।